सो गाइज वेलकम बैक एट दिस साइड और विजय है, दोबारा से स्वागत है। सेकंड पार्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में पहला पार्ट देखा होगा तो सेकंड पार्ट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि गांधी और नेशनल मूवमेंट किस तरीके से भारत में बढ़ता चला जा रहा था, उसके बारे में हम वीडियो सेकंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा आपको है कि आप नोट्स ले सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो का पहला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उस पार्ट के अंदर मैंने दिखाने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से जो गांधी जी है ना, उनकी एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे हुई। भाई वो 20 साल के बाद इंडिया के अंदर लौट रहे थे, ही डोंट नो अबाउट दैट इंडिया में क्या चल रहा है। तो गोखले जी ने उनको एडवाइस करा था कि आप घूमिए, भारत को देखिए कि भारत किस तरीके का है। तो उसके हिसाब से उन्होंने काफी कुछ घूमा, देन फाइनली उनका एंट्रेंस हमें देखने को मिला था। देन फाइनली उन्होंने पता है कि BHU के अंदर स्पीच दी थी, और कहा गया था कि कांग्रेस तो उस टाइम पीरियड पे शायद से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बड़े अमीर वर्ग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके लोगों से भरी हुई है, जबकि असल में हमें जो सिंपल और बहुत ही निचले तबके के लोग होते हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत है। सो दैट इज वाई वहां से उनका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। दो स्टूडेंट जो क्लास 12th में इस वीडियो को देख रहे हैं हिस्ट्री का, तो मैं चाहूंगा कि आप इंडिगो वाला चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर है इंडिगो, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना इंडिगो, तो आपको नील की खेती के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को 1917 के अंदर जो है क्या कहते हैं वो चंपारण लेके जाते हैं। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां पे महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर आजमाया था, वही सत्याग्रह इंडिया के अंदर चंपारण में 1917 से स्टार्ट हुआ। कहीं पे इसकी डेट 16 लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि दिसंबर की बात है, दिसंबर 1916 के अंदर उन्होंने मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ी थी पटना के लिए, सो दैट इज वो दिसंबर है, लेकिन जो कार्यवाही स्टार्ट हुई थी वो 17 से स्टार्ट हो गई थी, दैट इज वाई चंपारण रिपोर्ट 17 बोला जाता है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट 1918 में, एंड उसके बाद फिर था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर 1918 में। देन ये तीन जो एपिसोड में कह सकता हूं ना, इससे गांधी की जो आंधी पूरे भारत में चली ना, उससे गांधी हर निम्न क्लास जो मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है उनके दिलों के अंदर गांधी से समा गए। सो दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द गांधीज लाइफ। गांधी की लाइफ का एक निर्णायक मोड, या मैं कह सकता हूँ हर किसी के जीवन में आता है, आपके जीवन में भी आएगा, मेरे जीवन में आएगा, वो ऐसा मोड जो आपको एक अलग लेवल पे लेके चला जाता है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या हुआ था। तो तीन सत्याग्रह जहां पे सत्याग्रह चलाए गए थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, इन तीनों मूवमेंट में गांधी जी की लाइफ बदल दी गई। अब ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पे अगर मूवमेंट चल रहे होंगे ना, तो उसके पीछे एक छोटा सा रीजन जो बोला जाता है, वो बोला जाता है कि शायद से उस टाइम पीरियड में ना जो क्या कहते हैं आपके ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड आप देख सकते हो कम से कम नवंबर 1918 तक चला था, और ये जुलाई 1914 में शुरू हुआ था, और गांधी जी 1915 के अंदर एंट्री मारते हैं, और 1918 तक ही उनके सारे के सारे जो तीन आंदोलन होते हैं उनकी शुरुआत जो है काफी मक्खन तरीके से चल रही थी। गांधी पे इतना किसी को फोर्स नहीं था गांधी जी पे कि भाई क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स को नहीं पता था ना कि वो सही मायने में भारत में बदलाव करने के लिए आए हैं। असल में जिस समय वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ऑफकोर्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि हमारा जो ज्यादातर पैसा होता है वो पैसा हम अपने आर्मी के ऊपर लगाएं। बिल्कुल सच बात है, लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि आर्मी तो ऐसे तो नहीं भूखे लड़ती रहेगी तलवारों से बंदूकों से, भूख नहीं लड़ सकती, तो एक्सपेंडिचर आर्मी का बढ़ेगा, जिसमें क्या होगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, और इन सब का इंपैक्ट किस पे होने लग गया, इन सब का इंपैक्ट होने लग गया छोटे मजदूर किसान वर्ग पे, और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है ना उनका प्राइस जो है डबल हो गया। डबल होने की वजह से बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगी, हार्डशिप की लाइफ जीने लग गए लोग, और ये चीज अंग्रेजों से अब गुस्सा आने लग गया नॉर्मल किसान को। अब नॉर्मल किसान करे तो करे क्या, मरता क्या नहीं करता, सिंपल सी बात है, टैक्स देना है तो देना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर नहीं दिए तो पिटोगे, तो ये एक चल रहा था। और यहाँ पे गांधी जी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि वैसे ही मध्यम क्लास वर्ग के ऊपर इतनी ज्यादा जाति हो रही है, और कांग्रेस जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उसमें अमीर वर्ग ही है, गरीब के बारे में सोच नहीं रहा है, या उस तरीके से उस आइडियोलॉजी के लोग हैं नहीं। तो यहाँ पे जब वॉर हुआ ना, जब वॉर स्टार्ट हुआ, तो उसने
नॉर्मल जनता के बीच में जो बहुत 1857 से जो एक गुस्सा जो भरा हुआ था ना, वो धीरे धीरे निकलना चालू हो गया और उसकी चिंगारी लगाने के लिए गांधी जी ने उसकी शुरुआत कर दी। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो ये कहा गया कि जो भी सैनिक होते थे ब्रिटिशर्स, इंडियन सिपाहियों को लेकर चले जाया करते थे वॉर के टाइम पीरियड में, मरेगा तो इंडियन मरेगा, ब्रिटिशर्स का कोई सिपाही नहीं मरेगा। तो ये भी एक गलत था, ये भी एक गलत था। और दूसरा ये था कि 1918 से 1920 में उस टाइम पे और 1920 से 21 के बीच में फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि फूड फेलियर हो गया था, फेमिनाइन हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा फसलों का अकाल पड़ गया था, महामारी आ चुकी थी, इतने सारे दिक्कत होने लग गई थी इंडिया के अंदर, और फिर भी जो अंग्रेज थे वो टैक्स लेने से बाज नहीं आ रहे थे, है ना। तो आपको पता है ना कि पाप का घड़ा सबका भरता है, तो यहाँ जो उनकी पाप का घड़ा भरना चालू हो गया। सो दैट इज वाई गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा। सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने तीनों मूवमेंट में करी, चाहे चंपारण हो, चाहे क्या कहते हैं आपका अहमदाबाद हो, चाहे खेड़ा हो, सब में सत्याग्रह की शुरुआत करी। सत्याग्रह जो बापू जी कहते हैं ना कि सच्चाई के रास्ते पे चलना है और नॉन वायलेंस रखना है। बापू जी कहते हैं ना कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे खा लेना। तो ये चीज की शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत, सत्य के रास्ते पे चलने की शुरुआत गांधी जी ने यहां से स्टार्ट करी। हालांकि ये नॉन वायलेंस जो था सत्याग्रह, ये उन्होंने क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर पहले ही अपना लिया था, क्योंकि आपको पता है वहां पे महात्मा आइडियोलॉजी जो थी उन्होंने पहले से ही अडॉप्ट कर ली। तो इस वजह से सत्याग्रह चला। और सत्याग्रह का मतलब सभी धर्मों को समान रखे, और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अपना के जो बाहर के गुड्स होते हैं ना वो खरीदना बंद कर दें, अपने खुद के गुड्स को बनाना चालू करें। तो वैसे तो खैर दो चीजें जो आपने समझनी है, लेकिन और भी एक्स्ट्रा चीजें तो बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। अब बात करते हैं 1917 की बात, चंपारण एपिसोड की। अब चंपारण जो है, चंपारण असल में अगर आप देखें तो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, उसका एक गांव है मोतिहारी। मोतिहारी के अंदर राजकुमार शुक्ला करके एक व्यक्ति रहते थे। शुक्ला जी ने कहा गांधी जी आइए, क्योंकि आपको पता है कि वो लखनऊ के अंदर कोई सेशन दे रहे थे और उस टाइम पीरियड में शुक्ला जी उनकी बात सुन रहे थे। शुक्ला जी को लगा कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सही मायने में क्या कहते हैं हमारी मदद करेंगे। तो इस हिसाब से गांधी जी को क्या करा गया, गांधी जी को फोर्सफुली बोला गया कि सर आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। गांधी शुरुआती समय में आने से मना करे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यार यही तो समय है जहाँ पे हमें लोगों के हेल्प करने की जरूरत है, कांग्रेस बनाई क्यों गई है, इसलिए कांग्रेस से रिक्वेस्ट करेगी कि वहां पे हेडक्वार्टर बनाया जाए और चंपारण के लोगों का जो मेन मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। सो दैट इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, राजकुमार शुक्ला जी ने बताया कि चंपारण के अंदर किसानों को फोर्सफुली ये कहा जाता था कि आप इंडिगो उगाइए वन एंड अ थर्ड इलाके पे। मतलब मान लीजिए कितनी जितनी भी जमीन है आप लोगों के पास, आपको टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि एक राजस्व टैक्स देना पड़ता है हर किसान को, अंग्रेजों को देना पड़ता था। अंग्रेज लोग ये कहते थे कि आप सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि आज होता है ना चार बूंदों वाला उजाला कप, वो जो हम वाइट कपड़े में थोड़ा सा ब्लूइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उजाला, मैं किसी ब्रांड का ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि आज तो लिक्विड फॉर्म में आता है, पहले इसका पौधा उगाया जाता था और पौधा जो है ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा मिलता था। और भाई अंग्रेज यहाँ पे क्यों आए थे, अंग्रेज सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए थे और पैसा कमाना उनको इंडिगो के अंदर पैसा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे किसानों को ये कहा जाता था कि 27% भूमि के ऊपर आपको क्या करना है, आपको इंडिगो उगा देना है। अब देखो किसान को इंडिगो उगाने से कोई दिक्कत नहीं है, अब वो टैक्स के रूप में इंडिगो दे देता है उन लोगों को, कहता है कि टैक्स के रूप में ये ले लीजिए। अब यहाँ पे इसमें मजदूरी बहुत ज्यादा लगती है, कमाई उनकी ज्यादा हो नहीं पाती है, और सबसे बुरी बात ये इंडिगो का पौधा जहां पे एक बार उगा दिया जाता है वो जमीन कुछ सालों के लिए खराब हो जाती है, उसे जमीन को छोड़ना पड़ जाता है। तो इतना बड़ा लॉस इनके साथ हो रहा था, और गांधी जी ने देखा कि यार सही मायने में तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और इवन मोतिहारी गांव के अंदर साफ सफाई को लेके भी इतना ज्यादा वो अवेयरनेस नहीं था, पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो फाइनली वहां पे हेडक्वार्टर बनाया गया, और जब अंग्रेजों ने देखा कि यार किस तरीके से गांधी जी यहां के लोगों के मन में बदलाव कर रहे हैं, तो उनको फिर फाइनली वहां से निकलने के लिए मना करा गया। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिसर को डिनाय कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई आजादी जनसिद्ध अधिकार है, घूमने का अधिकार तो सभी को है, मैं तो अपने भारत देश में घूम रहा हूं, आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं घूमने से। तो उस टाइम पे पहली बार कोर्ट में इनको बुलाया गया था। तो वो इंडिगो स्टोरी है, आप उसे पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा आपको, है ना। सो गांधी जी ने फाइनली क्या करा, गांधी जी ने सभी किसानों से कहा कि हमें सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ेगा। सत्याग्रह चंपारण में सबसे पहले स्टार्ट हुआ,
सत्याग्रह का नॉर्मल सा फंडा। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, ब्रिटिशर्स ने उन्हें धमकियां देनी चालू कर दी और वहां गांधी जी से कहा गया कि आप यहां से निकल जाइए। लेकिन यहां पे धमकी देने से गांधी जी झुके नहीं, उन्होंने सत्याग्रह चलाया। उन्होंने सिंपल सा कहा कि आप ऐसा करिए, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप लोग क्या कहते हैं दो तिहाई वन एंड थर्ड जमीन पे अगर आपको उगाने के लिए दिया जा रहा है, तो जितनी जमीनें आपकी खराब हुई है ना, उसकी पेनल्टी जो है वो अंग्रेजों को चुकानी पड़ेगी। तो ये चुकाई, ये बात बिल्कुल सच है, और ये चुकाई, और बाद में इंडिगो जो है पूरी तरीके से बैन कर देगा कि इंडिगो नहीं उगाया जाएगा, आप राजस्व लेते हैं तो राजस्व ही लीजिए। सो बाकी और भी चीजें थी जो हुई, लेकिन इतना आपकी हिस्ट्री की बुक में नहीं दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद चले जाते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर वही बात हुई दोबारा, वहां पे प्रॉब्लम थे किसान के लोगों के साथ। किसान के लोगों के साथ ये था कि क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर मतलब मान लो जी 20,000 रुपए देने पड़ते हैं साल के किसानों को, वो किसान कहां से देगा? जो बेचेगा उसका पैसा निकलेगा वही तो अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देगा। लेकिन हुआ क्या कि फेलियर हो गया क्रॉप का, और बेचारे जब क्रॉप का फेलियर हो गया गुजरात के अंदर खेड़ा जिले में, तो खेड़ा के किसानों ने कहा कि यार हम तो बहुत परेशान है, हमें मतलब राजस्व देना ही पड़ेगा। अरे जब पैसा ही नहीं है तो कहां से दे? अंग्रेज कह रहे थे कि भैया कुछ भी करो, चोरी करो, कुछ भी करो, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टैक्स का रेवेन्यू का पैसा चाहिए। अब यहाँ पे किसानों ने कहा कि जब क्रॉप ही पैदा नहीं हुई है तो हम क्या करें? सो दैट इज वाई यहाँ पे फिर दोबारा गांधी जी गुजरात से तो बिलोंग करते ही थे, तो खेड़ा जिले में गए, और खेड़ा जिले में ये कहा गया कि भैया कम से कम क्या कहते हैं आप लोगों को राजस्व जो है ना उस पर छूट देने का वो होना चाहिए। अगर आप छूट नहीं देंगे, जब आपको पता है कि किसानों का कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा पैसा कैसे देंगे? देन अगेन यहाँ पे सत्याग्रह चलाया गया, और सत्याग्रह ये कहा गया कि जितने भी कल्टीवेटर्स है, जितने भी साहूकार थे, सॉरी कस्तकार थे, उनको कहा गया कि नॉट टू पे द रेवेन्यू लैंड। उन्होंने कहा पैसा ही मत दो, पैसा ही मत दो, छोड़ दो, पैसा ही मत दो। और जब पैसा ही मत दो तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत होने के बाद देन फाइनली ये मूवमेंट भी पूरी तरीके से उनके अंडर में गया और राजस्व उनका माफ किया गया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह इसीलिए फेमस हुआ क्रॉप फेलियर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का रिडक्शन की वो मांग कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि मत दो उनको, और फाइनली ये नॉन पेमेंट वाला सिस्टम जो था वो डिमांड गवर्नमेंट के द्वारा मान ली गई, क्योंकि जब पैसा ही तो कहाँ से देंगे। इसलिए गांधी जी फाइनली क्या कहते हैं अपने सत्याग्रह को खत्म कर देते हैं। सत्याग्रह वही सत्य के रास्ते पे चलना, अड़े रहना, और मतलब कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, काम नहीं करना, तो ऐसा कुछ सिस्टम था। तो ये दो मूवमेंट काफी कामयाब हुए। उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो अहमदाबाद के अंदर थे, ऑफ कोर्स वहीं था, तो अहमदाबाद में भी गांधी जी चले गए। अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था कि श्रमिकों का वेतन जो था ना उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। बात ये हो रही थी कि काम वो ज्यादा करवा रहे थे उन लोगों से, लेकिन उनका जो बोनस था या उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ाई नहीं जा रही थी। जहां उनसे 10 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, उनसे अब 12 घंटे 14 घंटे काम करवाया जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेजेस होनी चाहिए वो वेजेस दी ही नहीं जा रही है। तो यहाँ पे लेबर्स यही कह रही है कि भैया मिल वर्कर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। मिल वर्कर कह रहे कि हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, और वर्कर कह रहे तो काम इतना करवा रहे तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ाओगे। तो इसीलिए वर्कर डिमांड कर रहे थे कि 50% जो है उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि भाई एक तो महंगाई भी हो चुकी है, इतने सालों से आपने दाम नहीं बढ़ाया, आप काम भी ज्यादा करवा लेते हैं हमसे, लेकिन फिर भी। इसीलिए क्या हुआ कि गांधी जी ने मिल वर्कर्स का सपोर्ट करा और सत्याग्रह कर चलाया, और इवन गांधी जी ने उनकी इतनी ज्यादा मदद करी, उन्होंने इवन ये कर दिया कि वो कह रहे थे कि मैं लंबे समय तक फास्ट पे चला जाऊंगा, जब तक क्या कहते हैं मेरी मौत नहीं हो जाएगी, जब तक क्या कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि उनकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सत्याग्रह चलाया गया, गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, और ये सेटलमेंट विद इन 21 दिन के अंदर इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया। वो लोग कह रहे थे कि 50% सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं सैलरी सिर्फ और सिर्फ 35% जो है वो बढ़ गई। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तीन जो ये मूवमेंट चलाए गए, गांधी जी को महात्मा बनने से कोई रोक नहीं सका। सो दैट इज वाई इट इज इनक्रेडिबल, और ये ऐसा आज की डेट में कोई नहीं कर सकता, इसलिए बापू तो जी बापू है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, लगभग इस टाइम पे खत्म होता है। खत्म होते जैसे सारे अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर आते हैं, तो अंग्रेज लोग कहते हैं ये हो गया लोगों को, इतनी बदलाव लोगों के अंदर कैसे आया। देन फाइनली सबसे पहले रॉलेट एक्ट लगाया गया। सर रॉलेट करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट लगा दिया। उन्होंने कहा आपस में कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा किसी से। और रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया गया, क्योंकि देखो नवंबर में तो खत्म हुआ है ना, नवंबर में खत्म हुआ, एक दो महीने उन्हें एनालाइज करने के अंदर लगेंगे क्या क्या बदलाव हुए क्या क्या बदलाव नहीं हुए। देन फाइनली क्या कहते हैं मार्च के अंदर, मार्च 1919 के अंदर इसको लगा दिया गया। इसका मेन मकसद ये था किसी भी बंदे को पकड़ लिया जाएगा और बिना किसी ट्रायल के उस बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा, बिना किसी ट्रायल के उसको कारावास में डाल दिया जाएगा। ऐसे होता है ना आर्टिकल नंबर, आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 आपका,
आज के आर्टिकल नंबर 32 है। आप कहते हैं कि मुझे पार्क में अगर आपने पकड़ लिया, मैं तो नॉर्मल बैठा हुआ था, साथ वाले बंदे जो हैं वो कुछ कर रहे थे, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो मैं अपने वकील को हायर करूंगा और पहले मैं उससे बात करूंगा कि क्या है, कैसे छूटा जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, ड्यूरिंग मार्च के टाइम पीरियड में रॉलेक्ट एक्ट लगाया और ये बोला गया कि जेल होगी बिना किसी ट्रायल के, अगर आप लोग इकट्ठा कहीं सत्याग्रह करते हुए मिल गए तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। और उसी बीच गांधी जी ने कहा कि भैया हमें रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह चलाना चाहिए, लेकिन वही सत्याग्रह चलाया गया तो ब्रिटिशर्स ने उस पर रिस्पॉन्स करा, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको मारा गया। इवन उस टाइम पीरियड पर जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि दो तीन बंदे एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते मार्शल लॉ के तहत, और अगर खड़े नहीं हो सकते तो उसका कांड भुगतना पड़ा हमें कब, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पीरियड में मार्च में लगा दिया गया था रॉलेक्ट एक्ट, जनरल डायर ने लगा दिया मार्शल लॉ। और 13 अप्रैल 1919 में ऑफकोर्स बैशाखी का मेला होता है, जो मेरे पंजाबी भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उन्हें पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत खतरनाक था। अमृतसर में ये लोग तो सिर्फ बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे और कुछ लोग वहाँ पे पॉलिटिकल बयान वयान देने लगे, लोगों का ऐसा कहना है। और यहाँ से क्या कहते हैं, आपको पता है उधम सिंह इसमें बच गए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि जनरल डायर को मार दूंगा। 30 साल के बाद उधम सिंह ने उन्हें लंदन में जाके शूट कर दिया था, तो वो भी एक अपने आप में एक नेशनलिज्म की फीलिंग अलग ही है। तो उधम सिंह सर के लिए बहुत बहुत जय हिंद है, मेरा दिल से नमन है कि उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। लेकिन यहाँ पे जनरल डायर ने कुछ नहीं करा, किलिंग ऑफ 100 पीपल्स को मार दिया। इसकी बहुत डिटेल स्टोरी आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएगी, लेकिन मार्शल लॉ और रॉलेक्ट एक्ट का हमें नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था। और यही नहीं, इसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग मसाकेयर हुआ तो बहुत सारे सरदार जो सिख भाई थे उनका दिमाग खराब हो गया। देन फाइनली उन लोगों ने काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट बिल्डिंग उन पर अटैक करा, बहुत सारे क्या कहते हैं पुलिस के थाने हैं वो जला दिए, और इस वजह से क्या कहते हैं गांधी जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। गांधी को दिक्कत ये हुई कि मतलब हम लोगों का हमने किया गया, हम तो सिर्फ अपनी आजादी की मांग मांग रहे थे, हम तो सिर्फ सत्याग्रह चलाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आपने निर्दोषों को क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं इतने सारे लोगों को मार दिया, तोपों से उड़ा दिया, गोलियों से उड़ा दिया, उनकी क्या गलती थी। तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर लोगों के दिल में इतना ज़्यादा मतलब हर्ट कर गया कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अंग्रेजों को हमें जीने नहीं देना है, अंग्रेजों को इस भारत से निकालना है। सो दैट इज वाई गांधी जी ने वहीं से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज अ कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और यहां से गांधी जी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, किस तरीके से अब मुसलमान भी आ गए, सिख भी आ गए, उसकी शुरुआत हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खलीफा मूवमेंट, सिविल डिसओबेंस मूवमेंट, इंडिया क्यूट मूवमेंट, सारा हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ओके, सो गाइस दिस साइड और विजय है, और बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी लगी है तो उधम सिंह के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर इनकलाब जिंदाबाद, जो हमारे क्या कहते हैं जिसके नाम पे आपको पता है जिन्होंने मतलब फांसी ले ली थी, सुखदेव है, भगत सिंह है, राजगुरु है, वो सारे लोग यहीं से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही अपने आप को इतना ज्यादा प्रेरित करते हैं कि 21 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, तो वो बहुत ही अलग लोग थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया, हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो सिर्फ आपको उनकी बातें पहुंचा रहे हैं आप तक। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट वीडियो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स की बैंड बजती है।